नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल 2 का रिजल्ट और उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 3 तारीख से लेके 23 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और ये सभी बातें तो कल हो चुकी हैं और आपको इनके बारे में पता भी होगा। तो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ जो है वो यही है अभी के लिए कि केवियट नोटिस जो है वो सरकार ने लगा दिया है। जो रिजल्ट कल डिक्लेयर किया है उसके ऊपर केवियट नोटिस गवर्नमेंट ने लगा दिया है और ये जोधपुर और जयपुर दोनों जगह लगाया है ताकि कहीं पर भी अगर कोई याचिका दायर की जाती है रीट लेवल 2 के रिजल्ट से संबंधित, तो उसमें पहले गवर्नमेंट का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर देगा। बिना गवर्नमेंट के पक्ष के सुने बिना कोर्ट बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे पाएगा, केवियट का यही अर्थ होगा। इसमें लिखा भी हुआ है केवियट अंडर रूल 159.9 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स, इसमें है द केवियटर नेम अबव मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट द केवियटर हैज कंडक्टेड रीट 2017 लेवल 2 एग्जामिनेशन ऑन 11/2/2018 ऑफ विच रिजल्ट हैज़ डिक्लेयर्ड ऑन 31 जुलाई 2018। तो दोस्तों, साफ दिया गया है कि जो केवियटर है यानी केवियट जो दायर करने वाला है वो वही है जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था रीट का 2017 का, जिसने रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है 31/7/2018 को। तो अपने को पता है किसने किया है, वो किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से ये केवियट दायर की गई है दोस्तों। और इसमें साथ में लास्ट में लिखा है कि इसमें यहाँ लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोबारा याचिका लगाता है हाई कोर्ट में डबल बेंच में, तो हाई कोर्ट को सबसे पहले जो सरकार है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टीचर्स एंड सेक्रेटरी बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, यानी कि इनकी बातें इनको या तो बोर्ड ऑफ ये BSER है इसकी बात सुननी पड़ेगी पहले, या फिर सरकार की बात जो कोर्ट को वो सुननी पड़ेगी। उससे पहले वो अपना जजमेंट नहीं दे रखा, इसमें दे रखा अजमेर मे ऑल्सो बी हेयर्ड बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, यानी कि किसी भी प्रकार के ऑर्डर को जारी करने से पहले इनकी बातों को सुनना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट पक्ष अपना रखेगी, उसके बाद ही जज साहब किसी प्रकार का ऑर्डर दे सकते हैं, उससे पहले ये ऑर्डर नहीं दे सकते। और ये केवियट लगाने वाले वकील हैं जयपुर में तो विनोद कुमार गुप्ता, और जो जोधपुर हाई कोर्ट में लगाया है वो है राकेश अरोरा, इन्होंने ये केवियट दायर की है। तो दोस्तों, अच्छी न्यूज़ है, भर्ती रुकेगी नहीं इससे और भर्ती प्रक्रिया जो है वो तेज़ गति से चलेगी और आशा करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि इस केवियट के बारे में अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस केवियट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, जहाँ आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करते ही जो केवियट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। तो दोस्तों, उस लिंक पर जाके उसे ज़रूर देखना और केवियट के बारे में जो भ्रम फैला हुआ लोगों में उसे दूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।